अस्सलाम वालेकुम, प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ में हूं अहमद अकी। रियल स्टेट में या किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करते हुए कैसे यकीन करें, ट्रस्ट कैसे करें अगले के ऊपर? ये जो ट्रस्ट डेफिशिट है ना, ये आज के दौर के अंदर इन्वेस्टमेंट के काम में बहुत बड़ा एक बैरियर है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी रुकावट है, जिसकी वजह से जो लोग जिन लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो लोग ट्रस्ट के काबिल नहीं होते, उनके साथ मसला हो जाता है, नुकसान हो जाता है। और आप जब ट्रस्ट करने लगे तो आपको किन चीज़ों को देखना चाहिए और उसके बाद अगले पे एतमाद करना चाहिए, इस पे आज बात करते हैं। जी, एतमाद इन्वेस्टमेंट के लिए बेहद जरूरी है। एतमाद होगा तो उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे और उसके ऊपर आपका सरमाया ग्रो करेगा। और अगर आपका एतमाद नहीं होगा ना, तो आप सरमायाकारी करके पीस ऑफ माइंड नहीं ले सकते। सबसे कीमती चीज़ पीस ऑफ माइंड है, मैं आपको बताऊँ, पैसे से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है। और ये उस सूरत में आपका एतमाद, आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा जबकि आपको ये पता हो कि मैंने तमाम चीज़ें चेक करते हुए इन्वेस्टमेंट की है, सरमायाकारी की है। देखिए, ये कोई रैंडम किसी को पिक करने का की वजह नहीं होती। इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको पूरे SOPs के तहत ही इन्वेस्ट करना है, या इन्वेस्ट करते हुए आपको देखना क्या है, इन अदर वर्ड्स आप ये मैं आपको बताऊं कि देखना क्या चाहिए इन्वेस्ट करते हुए। देखिए, अगर आप रियल स्टेट में मैं बात करता हूँ, अगर आप जैसे फर्द स्टॉक एक्सचेंज में आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर क्या करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में बेसिकली ये होता है कि जो भी IPO के अंदर आप इन्वेस्ट करने लगे हैं ना, उसके स्टॉक्स उठाने लगे हैं, तो आप उसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ते हैं कंपनी की, आप उसके बारे में जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या, उनका जो उनके प्लॉट्स लगे हैं या उनके इन्वेस्टमेंट है या उनके जो बिज़नेस है वो किस तरह से हैं, उसकी मार्केट में ज़रूरत क्या है, उन वो प्रॉफिट किस तरह से कमा रहे हैं, यानी कौन सी खास चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी डिमांड ही नहीं ख़त्म हो रही, या वो चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है, उसके अंदर उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। जब ये चीज़ें आप देखते हैं ना, तो फिर उसके बाद आप उस IPO के अंदर इन्वेस्ट करते हैं कि भाई ये है चिराट सीमेंट है या बेस्ट वे सीमेंट है या HBL है, उसके शेयर लेना बनता है क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है, बैंक ग्रो कर रहा है, सीमेंट कंपनी जो है वो फर्दर उसकी पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन फ्लोरिश कर रही है, तो सीमेंट की जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है, तो लिहाजा यहाँ जो शेयर में इन्वेस्ट करेंगे वो ग्रो करेंगे। बिल्कुल इस तरह रियल स्टेट के अंदर भी आपको ये देखना होता है कि जिस कंपनी के साथ भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, भले वो बड़ी कंपनी है छोटी कंपनी है, लेकिन देखना आपने ये है कि उन्होंने पहले क्या डिलीवर किया हुआ है, या उनके काम करने की जो फिलॉसफी है वो क्या है, या वो जो कंपनी का हेड है या जो जो भी डायरेक्टर्स हैं वो कितने अहलियत के साथ हैं, उनकी बैकग्राउंड कितनी अच्छी है। ये तो नहीं कि वो असला रखे हुए आगे बंदे हैं और आपका पैसा बस जमा कराने की देर है, उसके बाद वो जो असले वाले बंदे हैं वो आपके ऊपर भी बंदूक तान सकते हैं। यानी आप देखिए ना कि जो उसका जो चाल चलन है उससे आपको अंदाज़ा होता है कि भाई वो क्या है। अगर इतना असला रखने की ज़रूरत ही नहीं पेशे थी, अगर बंदा फेयरनेस के साथ काम कर रहा हो, अगर बंदा लोगों से अच्छा चल रहा हो, तो फिर उसके बाद लोग जो है वो उनको खौफ नहीं होता कोई। ये खौफ इसलिए होता है कि कुछ किसी के साथ जो है ना वो गलत हो गया होता है चाहते या ना चाहते हुए। और फिर ये है कि लोग, यहाँ मैंने देखा है कि लोग गिरेबान तक पकड़ते हैं, उसके बाद अगला सरमाया जो है वो वापस करते हैं, या वो जो लिया होता है पैसा वो वापस छोड़ते हैं, उससे पहले वो देते ही नहीं है, वो आप जो भी कर ले वो नहीं देते हैं। तो इसलिए आपको ये देखना है कि जहाँ आप पैसा लगाने लगे हैं या जो कंपनी है या जो बिल्डर है, उन्होंने क्या क्या डिलीवर किया है, उनकी मार्केट में हवा क्या है, उनका काम करने का तरीका क्या है, उनके कॉल ऑफ वॉल में क्या तजाद तो नहीं है, यानी वो बात कुछ होते करते हैं लेकिन अमली तौर पे कुछ और है, या उन्होंने चीज़ें बेचने के लिए कोई इस तरह के मीन्स बनाए हुए हैं कि वो पैसे की शो ऑफ बहुत करते हैं। अच्छा, पैसा छुपाने की चीज़ है, इसकी शो ऑफ करने की चीज़ नहीं है, लेकिन जो लोग शो ऑफ करते हैं ना, असल में उनके पास पैसा होता नहीं है, तो वो लोगों को दिखाते फिरते हैं, वो एक ही बैग होता है, कभी उधर गाड़ी में रखते हैं, कभी वो वापस आके कैश में जमा कराते हैं, कभी कुछ, तो वो असल में लोगों को ट्रैप करने के लिए जो है ना ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं और आम बंदे को समझ नहीं आती। वंस उसका पैसा उसमें फंस जाता है तो बस उसके बाद उसका पैसा वापस नहीं आता। और आपने ये देखना होता है कि क्या उन्होंने कोई मसनूई हाइप क्रिएट तो नहीं की हुई कि भाई बस यही प्रोजेक्ट है, और ऐसे बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर लोगों ने इन्वेस्ट किया और बड़ी हाइप थी, बड़ी कैंपेन्स थी बड़ी बड़ी, उसके बाद जो है वो जो किस्सा माजी हो गए और लोगों का पैसा आज भी फंसा हुआ है। सरमायाकारी करते हुए आपको ये देखना चाहिए कि जो चांद दिया जा रहा है क्या वो रियलिस्टिक है कि नहीं है। यानी 1 करोड़ के आप पैसा
देंगे और उसके ऊपर आपका जो है ना अगले साल वो 3 करोड़ बन रहा है, तो क्या ऐसा है? इसका मतलब है कि वो बहुत बड़ा झांसा है, वो रियल पिक्चर नहीं दिखाई जा रही, और इस वजह से वो आपको आपको शक होना चाहिए कि भाई ये इसमें गलत हो सकता है। खलील जिब्रान का एक कॉल है कि उसने कहा मैंने मान लिया, उसने दोबारा वही बात जोर देकर कही तो मुझे शक गुजरा, उसने वही बात तीसरी दफ़ा दोहराई तो मुझे यकीन हो गया कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। तो जब आपको बहुत ज़्यादा तरीकों से जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए तरकीब दी जा रही है और आपको कुछ भी बुरा ना ही नज़र आ रहा हो, आ पा रहा हो, और ना ही बताने वाला आपको बता पा रहा हो, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई गड़बड़ है। इन्वेस्टमेंट के काम के अंदर जितनी ज़्यादा आपकी कामों पर नज़र होगी, जितनी ज़्यादा आपकी कंपनियों के ऊपर नज़र होगी, जितने ज़्यादा मार्केट के अंदर क्या क्या कुछ चल रहा है उस पर आपकी नज़र होगी, उतना ज़्यादा आपका पैसा भी सेव रहेगा और आपका पैसा ग्रो भी ज़्यादा करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट से कई जगहों पे प्रॉफिट ज़्यादा आते हैं, कई जगहों पे कम आते हैं और कहीं पे बिल्कुल नहीं आते। तो आमतौर पर लोग कहते हुए नज़र आते हैं कि भाई हम जहाँ इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से हमें कोई प्रॉफिट नहीं आता या वहाँ हमारा पैसा ग्रो नहीं करता, तो इसकी वजह यही होती है कि वो सरमायाकारी कराने वाला ये जो कंपनी है वो बीच में उनके अपने इंटरेस्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि उसके बाद वो किसी के लिए आगे पास ऑन ही नहीं कर सकते, यानी प्रॉफिट को शेयर ही नहीं कर सकते, प्रॉफिट किसी के लिए छोड़ ही नहीं सकते। जैसे हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर कि हम अगर फर्ज करें 9500 स्क्वायर फीट के ऊपर अपार्टमेंट दे रहे हैं, सेम क्वालिटी, सेम लोकेशन, यानी सेम टाइम एंड टर्म एंड कंडीशंस, और हमारे मुकाबले में लोग आलमोस्ट डबल के ऊपर भी चीज़ें बेच रहे हैं, वही कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, वही आलमोस्ट लोकेशन है, वही चीज़ दे रहे हैं। तो इतना बड़ा जो गैप अगर आपको नज़र नहीं आ रहा इन्वेस्टमेंट करते हुए, तो कल को आप जब बेचने जाएंगे तो वो गैप आप भर ही नहीं पाते। वो असल में वो तो आपका प्रॉफिट बनना था, लेकिन अगले ने आज ही 3 साल आने वाले टाइम का प्रॉफिट आज ही आपसे हासिल कर लिया, फिर आपको 6 साल इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप हमारा चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें, और प्लीज़ हमारी वीडियोज़ भी लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये सदका जारिया है और ये इन्फॉर्मेशन दूसरे के लिए इंतहाई मुफीद हो सकती है। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर हमें आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज में पढ़ सकें और मुख्तलिफ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सअप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पर ट्रांजेक्शन पर लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल स्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।